बीपीएससी के द्वारा अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के दूसरे दिन जिले में 46 केंद्रों पर परीक्षा ली गई। वहीं इस परीक्षा में 22,155 विद्यार्थी 3 दिनों की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन और एसएसपी के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का घूम कर जायजा लिया जा रहा है। परीक्षा में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर लगातार वरीय अधिकारी परीक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस दौरान एसएम कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों का निरीक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण हो रही है और कहीं से भी कोई गड़बड़ी की सूचना अभी तक नहीं है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में सारे केंद्रों पर संचालित हो रही है और कहीं से भी किसी तरह की हम लोगों को अव्यवस्था की शिकायत नहीं प्राप्त। छोटी मोटी जो समस्याएं आ रही हैं उसका सेंटर सुपरिटेंडेंट और संबंधित पदाधिकारी निराकरण भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो रही है और कल तक भी चलेगी परीक्षा। कल दोनों शिफ्ट में एग्जाम है। भागलपुर में बीते वर्ष गंगा व कोसी नदी में हुए भीषण कटाव के बाद बिहार सरकार ने कटावरोधी कार्य के लिए करोड़ों रुपये दिए, जिसे कटावरोधी कार्य भी हुआ, लेकिन यह कैसा कार्य है जो गंगा की भेंट चढ़ जा रहा है। दरअसल भागलपुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत तिनटंगा के ज्ञानीदास टोला में गंगा किनारे MC में बोल्डर पत्थर डालकर काम कराया गया था। यहां 15 करोड़ की लागत से कार्य हुआ था, लेकिन आलम यह है 6 महीने भी कार्य सही से नहीं टिक सका। कल देर रात 21 मीटर के दायरे में बोल्डर हटकर गंगा में समा गया। वहीं कई जगह धसान हो गया, जिससे ग्रामीण डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष तक गंगा ने इस गांव में कहर बरपाया था, जहां दर्जनों घर कटकर गंगा में समाहित हो गया था। वहीं इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर पुनः फ्लड फाइटिंग का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के SDO अधीक्षण अभियंता समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर कटावरोधी कार्य कर रहे हैं। बालू भरी बोरियां कटाव क्षेत्र में डाली जा रही है ताकि गांव का अस्तित्व बचाया जा सके। यानी सरकार का फिर से लाखों खर्च होगा और फिर वही कार्य होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अधिकारी किस स्तर से कार्य कराते हैं कि वो गंगा की भेंट चढ़ जा रहा है। कार्य में अनियमितता नहीं है तो क्या है? सुबोध कुमार मंडल ग्रामीण ने कहा कि यह बोल्डर पिचिंग 1 बजे रात में गिरा है, 21 मीटर के लगभग में गिर गया है, इससे गांव का ही नुकसान है। यदि ठोस तरीके से काम नहीं हुआ तो गांव गंगा में समा जाएगा। अभी विभाग की तरफ से काम करवाया जा रहा है। इस गांव में लगभग 400 घर पहले ही गंगा में समा चुका है। ग्रामीण नवीन ठाकुर बताते हैं कि रात में 1 बजे गिरा है, 21 मीटर की दूरी में बोल्डर पिचिंग गिरा है, बहुत दिक्कत है, हमारा गांव खतरे में है, भ्रष्टाचार से काम रुकने वाला नहीं है, सही काम नहीं होता है, नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार वाला काम रुकने वाला नहीं है, अभी जियो बैंक का काम करवाया जा रहा है, लेकिन इससे गांव बचने वाला नहीं है। वहीं ग्रामीण रविंद्र महतो ने कहा कि हमको उम्मीद है कि गांव नहीं बचेगा, पानी का जो दबाव आता है वैसा पुख्ता काम नहीं हुआ है, जियो बैंक भी सही से काम हो जाए तो कुछ उम्मीद बनेगी, सबको डर लग रहा है कि कहीं न कहीं फिर से घर कट जाए। रणवीर प्रसाद अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग ने कहा कि बोल्डर पिचिंग का काम विलीन नहीं हुआ है, काम होता है और स्टेबल करता है, जैसे मिट्टी पर पत्थर डाला गया, मिट्टी अगर बैठ जाती है तो वो पत्थर भी बैठता है, साइड स्लोप सिर्फ बैठ गया है, 21 मीटर में स्लोप बैठा है, NC से हम लोग रिस्टोर करते हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसको शाम तक रिस्टोर कर लेंगे। रात में मतलब पत्थर का जो काम हुआ है रात में ढह गया, ढहा तो इतना स्थिति खराब हो गया, लगा कि फिर पुराना स्टाइल में कटंती होना स्टार्ट हो गया, इसके कारण कई करेट मतलब हमको लगता है 15-20 करेट एक बाई गिर गया नदी किनारे, और ग्रामीण को लगा कि अब क्या होगा क्या नहीं, तो फिर से आया जो है कि कार्य कर रहा है। कल कितने बजे गिरा था? रात में लगभग 1 बजे गिरा। 1 बजे रात में? जी। तो क्या आप डर भी लग रहा है क्योंकि इस तरह से फिर तो ऐसा माहौल लग रहा है कि रात में तो लग रहा था कि इन लोग का जितना भी ग्रामीण मतलब गाँव दिख रहा है, मेरा भी चूंकि इसी जगह 300 लगभग पहले घर कट गया है और कहीं घर लगातार गिर रहा था, लगा कि वैसा ही स्थिति रात में आ जाएगा, तो फिर काम शुरू हो रहा है। फिर सुबह में काम जो भी अफसर आया तो करा रहा है काम। पहले भी मांग की गई थी 500 मीटर की ही, 600 मीटर कराया गया था, 2500 की मांग की गई थी, क्या था? मेरा मांग था यहाँ का 2900 मीटर, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया, जो कि 600 मीटर दिया गया। जो भी काम हुआ ठीक ठाक हुआ काम, लेकिन काम होने के बाद जो अभी गिरा, लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए लेकिन बहुत गिरा, बहुत गंभीर ही है, जैसे कि आज 3 साल से गांव कट रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं अब तक मिला है, कोई
मैंने की अभी क्या स्थिति है? अभी तो हम लोग को यहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ? पंजाब दिल्ली कहीं पर, जब सरकार के पास कोई जमीन ही नहीं है। सीए कहे यहाँ से बाहर क्यों पलायन कीजिएगा? घर ही कट जाएगा तो रह के क्या करेंगे? सर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है। क्या सही ढंग से काम नहीं हो रहा है? फ्लड फाइटिंग का सिर्फ नाम है जी, सही से काम नहीं है। सिर्फ दिखलाने के लिए हर साल किनारे किनारे बोरा लगा देता है, एक लाइन दो लाइन हो गया फ्लड फाइटिंग, फिर पानी बढ़ेगा घटेगा फिर चला जाएगा, फिर 10-20 घर नदी में समा जाएगा। हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? अभी तक कितने घर नदी में समाए हैं इस गांव के? 300 घर से ज़्यादा। और जब बुला जाते हैं सीओ के पास जमीन मांगने के लिए, तो सीओ साहब कहता है कि जिस इलाका में जिस बिहार में बिहार सरकार जमीन हो उसको खाता खसरा हमको दीजिए तब हम जमीन देंगे। भीतर से काम नहीं हो रहा है, वहाँ 60 फीट गड़ा है, इधर 30 फीट से बांध रहा है, उठा जाता है, यही बोलना है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमको ठोस कार मजबूत हो, कारभार मजबूत, कार मजबूत कार। युवा है पे जो है ध्यान बढ़िया से दे और इसका काम आगे से बढ़ाया जाए। काम में लापरवाही बहुत बढ़ता जा रहा है, उसका देख अनदेखा कर जा रहा है जो कंपनी। नहीं ना, बिलीन नहीं हुआ है, बिलीन नहीं हुआ, काम होता है और स्टेबल करता है। जैसे यहाँ पर मिट्टी पर पत्थर डाला गया तो मिट्टी अगर बैठ जाती है तो वह पत्थर भी बैठता है, तो साइड स्लोप सिर्फ बैठा है। एप्रन जो नीचे एप्रन गंगा नदी में था वो सारा अपने जगह पर इंटैक्ट है। कितना मीटर सर बैठा है? 21 मीटर में स्लोप बैठा है। क्या कराया जा रहा है उसमें? एनसी से उसको हम लोग अभी रेस्टोर करते हैं। रेस्टोर करने का मतलब गंगा का जब पानी आवे या बढ़े तो उसको धकोरे नहीं, भीतर से धकोरे नहीं, ये चीज़ उसमें की। कब तक ये कार्य पूरा कर लेंगे? हम लोग उम्मीद करते हैं जो शाम तक कर लेंगे। कितनी की लागत से सर काम होगा? यहाँ लागत अभी नहीं, अभी का कोई नहीं होता है, काम कराने के बाद एस्टिमेशन होता है जितना जितना का काम होता है। बोल्डर पिचिंग का करीब 13 करोड़ का काम था। आपकी रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए लुक सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें लुक सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हां, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हां, जेंट्स के लिए 650 रुपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला क्लीनअप और डिटेन मात्र 1650 रुपए में, 1900 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रुपए में, 1600 रुपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रुपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रुपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला क्लीनअप और डिटेन मात्र 1650 रुपए में, 2100 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रुपए में, 2500 रुपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रुपए में। मतलब लुक सलोन के साथ अभी रक्षाबंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर आरपी रोड, खलीफा बाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। भागलपुर जिला के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर की इमरजेंसी कैंपस के सामने दो एम्बुलेंस चालकों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक आपस में लड़ने लगे, जिसमें बांका जिला के एम्बुलेंस चालक को भागलपुर के एम्बुलेंस चालक ने पकड़कर गाड़ी की चाबी से सर पर कई बार वार किया, जिससे बांका जिला के एम्बुलेंस चालक का सर चाबी घुसने से फट गया और काफी खून बहने लगा। बता दें जिस जगह लड़ाई हुई वहां से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल का प्रवेश द्वार महज 25 गज की दूरी पर है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं उसी के सामने बरारी थाना पुलिस की चौकी है। वहीं दूसरी तरफ 5 गज की दूरी पर इमरजेंसी का एंट्री गेट है।
वहां पर भी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती होती है। बावजूद दो एम्बुलेंस चालकों के बीच लड़ाई होती रही और एक एम्बुलेंस चालक का सर फट जाता है। इसको देखने के लिए वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। जब सर फट गया तब अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने आकर दोनों को अलग किया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही से भागलपुर के एम्बुलेंस चालक बड़ी आसानी से चलते चलते वहां से भाग गए। उसे सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ने की कोशिश नहीं किया। अंदर झुकाए माए बहन करने लगा सर। आप कौन है? हम ड्राइवर आदमी है सर। किस चीज का? एम्बुलेंस का सर। कहाँ घर हुआ? दोरैया सर। नाम? श्रवण कुमार ठाकुर। अभी क्या घटना हुआ यहाँ पे? अभी सर चाबी छिड़िया सर, माए बहन कर गया पूर्णिया जा रहे थे सर। काहे चाबी छीना? पता नहीं सर, हमसे कोई गप नहीं था। क्या नाम है उसका? उसका नाम वो नहीं जानते सर, हम नया ड्राइवर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के छात्र यश कुमार ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल यश ने एक ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया है जिसके जरिए पानी में भी अब खेती की जा सकती है। जी हां, बंजर जमीन व जल जमाव वाली जमीन पर खेती करना आसान हो जाएगा। दरअसल यश ने एल्गोरिथम की मदद से सैटेलाइट इमेज की मदद से जल जमाव यानी जमीन व मखाना प्रोसेसिंग किस जगह पर हो रही है इसका पता लगाया सकता है। किसानों के फायदों को देखते हुए यश ने कोडिंग के माध्यम से इस तरीके को ढूंढ निकाला है। उनका कहना है कि मखाने की खेती की तरफ अब किसानों को अग्रसर होना चाहिए, इसमें काफी फायदा हो सकता है। बिहार के अनेक जिलों में जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में हम उन जगहों पर मखाना की खेती कर लें तो बिहार में मखाना का अच्छा उत्पादन हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि मखाना कम समय में तैयार होने वाला फसल है जो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। जल जमाव वाले समय में अगर किसान मखाने की खेती करे तो उनकी आय दुगनी हो सकती है। बांका जिला के रहने वाले यश ने बताया कि मैं पूर्णिया कृषि महाविद्यालय का छात्र हूं और पूर्णिया में मखाने की अधिक खेती होती है। मखाने की खेती के लिए पानी सबसे अधिक जरूरी होता है। अभी मैंने ऐसे जमीन को ढूंढना शुरू किया जहां पर जल जमाव होता है और कोडिंग के माध्यम से सैटेलाइट मैप पर वैसे जमीन को चिन्हित करने के लिए एल्गोरिथम तैयार कर लिया। वो जो एल्गोरिथम है वो सिर्फ मखाना के पिक्सल्स को ही आइडेंटिफाई करता है, उसके वीड को भी जो है वो कैप्चर नहीं करता है। तो सिर्फ जहां पे मखाना हो रहा है वो हमको एग्जैक्टली एरिया एस्टिमेशन हो जाता है और वहां से जो है कितना यील्ड हो रहा है वो भी निकाल सकते हैं। इसके पैरेलली एक और चीज जो है मैंने डेवलप किया है कि बहुत सारा जमीन जो है वो वाटर लॉगिंग के कारण बिहार में, और बिहार में भी सीमांचल की तरफ ज़्यादा वाटर लॉगिंग के कारण जो है मतलब कि खाली रह जाता है। तो अगर उस जमीन को हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाए कि वो सारा जमीन कहाँ है और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल पाए तो सीधा वहाँ पे जा करके जो है आइदर जो है वहाँ पे एज अ इंटरवेंशन डिपेंडिंग ऑन द वाटर लेवल हम मकाना उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर जो है अगर वाटर लेवल कम है तो फिर जो है गर्मा धान वगैरह उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो पड़ती जमीन जो खाली छूट जाता था पहले तो उसका भी एक यूटिलाइजेशन हो सकता है। इसमें मैंने क्या डेवलप किया है कि बिहार में मतलब बिहार क्या कहीं पे भी कहाँ कहाँ वाटर लॉग्ड एरियाज है और उसका पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी मतलब कि वाटर लॉगिंग कब से हुआ था और कब तक रहा है, मतलब कि जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जुलाई के बाद कब तक रहा है, जनवरी तक रहा है कि फरवरी तक रहा है कि मार्च तक रहा है कि दिसंबर तक ही रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जो है ये भी हम सैटेलाइट इमेजेस से जान सकते हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने क्रैक कर लिया है। ऐसा एक एल्गोरिदम डेवलप कर पाए हैं कि ग्राउंड लेवल पर हम किसान को मदद कर सकते हैं। भागलपुर जिला के नौगछिया पुलिस जिला के इस्माइलपुर बिंद टोली के समीप रिंग बांध में गंगा का पानी धीरे धीरे रिसने लगा है, जिससे लोगों में भगदड़ मची हुई है। लोगों को डर सता रहा है कहीं यह रिंग बांध टूट गया तो कई गांव के साथ साथ हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। वहीं इसको दुरुस्त करने में फ्लड फाइटर की टीम लगी हुई है। वहीं बचाव के लिए जियो बैग भी भारी मात्रा में देने की कोशिश की जा रही है जिससे बांध नहीं टूटे और गांव के लोग सुरक्षित रहे। बांध पर लगभग 40 से 50 मीटर कटाव जारी है। वहीं जल संसाधन विभाग के सभी कनीय अभियंता सहित कार्यपालक अभियंता अधीक्षण अभियंता मौजूद रहे। वहीं घटना स्थल पर पेड़ पौधों के झाड़ी और जियो बैग से कार्य प्रारंभ किया गया। वहीं स्थानीय लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर समय रहते बांध की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो शायद यह नौबत नहीं आए। सरकार सिर्फ खानापूर्ति करने वाला काम कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माछीपुर के समीप सड़क दुर्घटना में एक फर्नीचर व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान अलीगंज निवासी लखनलाल सिंह के पुत्र वंशीलाल सिंह के रूप में हुई है। मृतक फर्नीचर का व्यवसाय करता था। वहीं इस घटना के बाद
परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची लोदीपुर थाना पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि बंसीलाल सिंह अपनी बाइक से गोराडीह की ओर आ रहे थे, तभी माछीपुर के समीप ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक मौके से गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। मामले पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि सड़क दुर्घटना हुई है। उक्त घटना में घायल व्यक्ति को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भागलपुर के औद्योगिक थाना जीरो माइल क्षेत्र अंतर्गत मीराचक से 21 अगस्त को मध्य विद्यालय में पढ़ाई करने दो भाई बहन एक साथ विद्यालय गए। बहन तो लौटकर वापस आई, लेकिन भाई लापता है, जिसकी तलाश के लिए परिजन काफी मशक्कत कर रहे हैं। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने औद्योगिक थाना जीरो माइल में इसकी रिपोर्ट भी कराई है। पुलिस भी छानबीन में जुटी है। गौरतलब है कि बच्चा मीराचक जीरो माइल थाना अंतर्गत सुरेश मंडल का 8 वर्षीय पुत्र अमित कुमार है। परिजनों ने बताया कि वह आसमानी कलर का शर्ट और ब्लू कलर का पैंट पहनकर अपनी बहन के साथ स्कूल गया था। बहन तो घर वापस लौट आई, लेकिन अमित अभी तक लापता है। वहीं परिजनों ने कहा कि हम लोगों का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा हम किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते। अब लापता होने का क्या कारण है और कैसे लापता हुआ, यह हम लोग नहीं जानते। बस पुलिस विभाग से अनुरोध है कि हमारे बच्चे को ढूंढ कर हमें सौंप दे। बच्चा मेरा जो है स्कूल गया पढ़ने के लिए, दो भाई बहन था, वो जो है कि कैसे वहाँ गया, फिर टिफिन में जो है छुट्टी हुआ तो आया घर से, जो खाना खा के गया तो दोनों रूम में चला गया अपने अपने क्लास में। थ्री क्लास में था वो बछवा, वहाँ से जब बहन खाली आया बछवा जो है ये ले गया।